बिलासपुर में पुलिस ने त्योहार से ठीक पहले हथियारों का जखीरा बरामद किया। दरअसल पचपेड़ी में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस अवैध हथियारों को रखने वाले लोगों की तलाश कर रही है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लाल खदान क्षेत्र में रहने वाले जय सिंह चौहान के पास अवैध हथियार मौजूद है और वह घूम घूम कर लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी जय सिंह चौहान को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान उसके घर तलाशी भी ली गई, जिस पर पुलिस को अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ हो गया कि एक बार फिर से लाल खदान क्षेत्र का अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि आरोपियों का कोई भी पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में कुछ समय से कुछ व्यक्तियों के पास पिस्टल्स और देसी कट्टा होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर वर्किंग करते हुए एसीसीयू के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, एडिशनल एसपी शहर के नेतृत्व में। इसमें जो अभी तक की पकड़ हुई है उसमें 2 नग पिस्टल्स 6 लाइव राउंड्स के साथ पकड़ाई गई है और 3 नग 12 बोर पिस्टल ये भी लाइव राउंड्स के साथ पकड़ाई गई है। उसके अलावा एयरगन्स भी मिली हैं जो कि बिल्कुल पिस्टल नुमा ये लगती हैं।